मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शहर के उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के जेडीरुआ बांध मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपनी बहन की शादी के लिए रिश्तेदार के साथ बाइक में सवार होकर सामान लेने के लिए निकला था, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी और चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने समझाइश देकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की। जांगीरपुरा मानसी की लड़की की शादी थी, दिन के साले जो भाग देने आए थे शाम को, तो अबे पाइप पूजने के लिए सामान लेवे जा रहे थे बाजार, तो जो अपने हाथ पे ही ट्रैक्टर वाले ने कुचल दे तीन लोग, तो एक तो डेड बॉडी यही पड़ी है, दो लोग सीधे हालत में हॉस्पिटल में। तो जडेरवा इलाके में लड़की की शादी थी, उसकी विदाई होनी थी और उसी वक्त एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। एक जो लड़की का मुंह बोल मतलब रिश्तेदार है, भाई है, वो एक ऑन स्पॉट वहाँ पर शांत हो गया है। उसी के चलते कुछ गुस्से में उन्होंने ट्रैक्टर को भी आग लगा दी है। पुलिस फोर्स CSP साहब मैं जाप्ते के QRT मौके पे है, लोगों से संवाद कर रही है और हमने SDM साहब को भी बोला है कि वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं, तहसीलदार पहुंच गए हैं।